योगी आदित्यनाथ संविधान दिवस के मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। अवसर हम सबको करता है, मैं इसके लिए इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मानित हुआ था। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन अलग अलग समितियों के प्रारूप को संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन अलग अलग समितियों के प्रारूप को एक रूप देना, एक शिल्पी के रूप में कौन इस दायित्व का निर्वहन करेगा, और यह दायित्व दिया गया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बखूबी निर्वहन करते हुए, अगर आप देखेंगे भारत के संविधान को तो जो मूल प्रति है, जब भारत के संविधान, भारत के गणतंत्र के शताब्दी वर्ष था, उस वर्ष हमें संसद की ओर से उसकी मूल प्रति उपलब्ध कराई गई थी, और उस मूल प्रति को देख करके लगता था कि वास्तव में भारत के संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे कि उन्होंने भारत की सभी भावनाओं को कहीं पर लिपि के माध्यम से और कहीं पर चित्रों के माध्यम से संविधान में उकेरने का पूरा प्रयास सफल भी रहे। अगर कहा जाए कि भारत की मूल प्रति ही भारत की आत्मा भी है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शिला के अवसर पर 19 नवंबर 2015 को मुंबई में प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि 26 नवंबर की तिथि भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की आवश्यकता है। और उसके उपरांत हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष में 26 नवंबर 2015 को भारत में पहली बार संविधान दिवस के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ मनाया गया था, और तब से प्रतिवर्ष पूरा देश इस संविधान दिवस के साथ जुड़ करके भारत के संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को और अपने संकल्पों को जोड़ने का कार्य करता है। भाइयों बहनों, इस बारे में देखते हैं आज जो यहां पर महत्वपूर्ण उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय राष्ट्रपति जी का, उसने उन सभी भावनाओं का ही प्रतिनिधित्व किया है जो भारत के संविधान की मूल भावना है, और भारत के संविधान की उन मूल भावना का प्रतिनिधित्व है, मुझे लगता है या किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र और भाषा के दायरे में कैद करके नहीं, बल्कि पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व बनता है, क्योंकि भारत के संविधान का वास्तविक संरक्षक अगर किसी को माना गया है तो अब भारत के नागरिक को माना गया है, भारत के नागरिकों को माना गया है, भारत की जनता को माना गया है, और इसलिए जनता के प्रति जवाबदेही ये भारत के संविधान के द्वारा इस बात के प्रति हम सबको आग्रही बनाया गया है। और इन्हीं सब भावनाओं का प्रतिनिधित्व आज के उद्बोधन के माध्यम से भी हम सबको प्राप्त हुआ है, और इसमें हम सबको, जिसमें हम सब इस बारे में देखते हैं कि कैसे
इस पूरी भावनाओं को उकेरने का प्रयास हुआ है और भारत के संविधान ने भी, क्योंकि जब भारत 1947 के पहले जब भारत की आजादी की बात एक निष्कर्ष की ओर पहुंच रही थी तो इस देश के अंदर बहुत सारे लोग थे। कुछ लोग, एक बड़ा तबका था जो भारत को भारत के रूप में रखने के लिए पूरी दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ कार्य कर रहे थे। भारत को एक नहीं रखना चाहते थे, उन्होंने भारत को अलग अलग राष्ट्रीयताओं के समूह के रूप में भी दिखाने का प्रयास किया था और उस समय उसके अनुरूप खड़े के प्रयास। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को जो लखनऊ से संविधान दिवस के मौके पर अपना संबोधन दे रहे थे। रुकेंगे एक ब्रेक के।